पेरी सी आर प्लस टेबलेट कहाँ पर काम में ली जाती है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सावधानी क्या है, क्या आदत पड़ती है या नहीं पड़ती, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों पेरी सी आर प्लस टेबलेट जो टेबलेट है ये इप्का कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो है पेरोक्सीटीन 12.5 मिलीग्राम में एंड क्लोनाजीपाम 0.5 मिलीग्राम में, दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन में ये आती है। देखिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका यूज मत कीजिएगा, सेल्फ यूज करने वाली ये मेडिसिन नहीं है। कहाँ पर काम आती है बात करें, देखिए ये एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, यानी मानसिक रोग में दी जाती है। अगर व्यक्ति को अभी अभी मानसिक रोग होने लगा है या मानसिक रोग से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी है, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से डर लग रहा है, या मतलब रात को वो सो नहीं पा रहा, पूरी पूरा जगा रहता है, किसी चीज़ को लेकर बैठ गया है, तो वहाँ पर इस टेबलेट का यूज किया जाता है डॉक्टर की सलाह से। किस तरीके से काम करती है दोस्तों, ये कुछ केमिकल मैसेंजर पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन क्या करता है दोस्तों, ये मूड को कंट्रोल करता है, मूड को खुश बनाता है, व्यक्ति को अच्छा एहसास दिलाने में काम करता है, पॉजिटिव थिंकिंग लाता है, तो उन उसके लेवल को बढ़ाती है जिससे व्यक्ति के मूड को सुधारा जा सके। डोज की बात करें एक टेबलेट ले सकते हैं, एक टेबलेट से आराम नहीं आ रहा, जितना आराम आना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर से सुबह शाम भी कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि गला सूख सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, लाइट सेटल हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसकी सावधानी ये है, डॉक्टर की सलाह के बिना यूज़ मत कीजिएगा, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह के बिना यूज़ मत कीजिएगा, गाड़ी चलाते समय भी यूज़ मत कीजिएगा, नींद आ सकती है, या फिर एल्कोहल अगर आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम इसकी डोज मत लीजिएगा। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती, बिल्कुल सेफ है, डॉक्टर ने दिया है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो संपूर्ण रिव्यू होता कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन सी मेडिसिन भी आपको वीडियो देना है वीडियो पूरा देंगे।